फ्रेंड्स, मैं हूँ तरना। वेरी वार्म वेलकम इन टू माई ब्लॉग्स। सो इस बार जब हम गैंगटॉक गए तो हम मे फेयर के अंदर रुके थे। मे फेयर एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है और ये वर्थ वॉचिंग है। मैं अभी आपको इसका पूरा रूम टूर, इसका होटल टूर और सब कुछ आपको दिखाऊंगी, तो चलो स्टे ट्यून्ड। ये मे फेयर का मेन गेट का एंट्रेंस है, तो अभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। इस प्रॉपर्टी की हर एक चीज़ बहुत ही सुंदर बनी हुई है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितने भी व्यूज़ हैं सब बहुत ही अच्छे हैं, अमेजिंग व्यूज़ थे हैं सब कुछ। और ऊपर से वेदर भी बहुत प्लेजेंट था गैंगटॉक सिक्किम के अंदर। ये मेफेयर का मेन एंट्रेंस है। हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया। हाँ बेटा यही है। एंड दिस इज द कंट्री ऑफ द होटल। हाँ सो वी आर इन मेफेयर नाउ इन गैंगटॉक्स मेफेयर। ओवर हियर वी हैव दिस इज अ होटल आई गेस एंड देन वी हैव दैट। वहाँ पे एक प्यारा सा टी बुटीक है जहाँ पे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह की चाय मिलती है, सिक्किम की, दार्जिलिंग, असम टीज। सो बेसिकली वी एंजॉयड अ लॉट। Oh, it's cool and its name is Chai Chun. I think it's a Chai Chun. I heard it a bit, you know. ध्यान से अब गिर मत जाना इसके। मेफेयर के अंदर एंटर करने के बाद में ये बहुत सारा एक वहाँ पे ओपन एरिया था जहाँ पे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट सब व्यूज़ थे। कहीं पे ये बुद्धा है, कहीं पे शिव जी का मंदिर था और कहीं पे ऐसे साइट सीन थे कि आप वहाँ पे जाके बैठ जाओ और जस्ट अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा लो। तो हम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक किया। थोड़ा बहुत ईजा भी इस वीडियो के अंदर बीच बीच में बोल रही है, तो प्लीज़ आप लोग उसे माइंड मत करना, क्योंकि इफ़ यू हैव किड्स देन यू कैन अंडरस्टैंड कि वो साथ साथ में अपनी वीडियोस बनाते ही हैं। मुझे पर्सनली ये शिव जी का मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अंदर जाके एक अलग सी ही शांति मिल रही थी। इन लोगों ने ऐसे एकदम फ्रंट के अंदर ओपन एरिया में ये मंदिर बनाया हुआ है और हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा पूजा किया और हमें बहुत अच्छा लगा यार इस मंदिर में जाके। So guys, because of the pressure of the water, the ball is standing on the water. I know it doesn't look like it, but the ball is so heavy and it is literally standing on it. The ball is kind of like just a globe. इस होटल का मैंने अभी तक आपको सिर्फ एक थोड़ा सा ही व्यू दिखाया है, वो ही इतना अमेजिंग है कि हम लोग आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। हम वहीं पे कभी इधर फोटो खिंचा रहे हैं, कभी उधर फोटो खिंचा रहे हैं। सब कुछ इन्होंने बहुत ही प्यारा और सुंदर बनाया है। तो अब हम होटल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे जो राइट साइड में है ये रेस्टोरेंट है, इसके अंदर सब खाना वगैरह मिलता है और ये बहुत ही लग्जेरियस है। मैं आपको इसका पूरा भी टूर कराऊँगी। और ये सामने जो बुद्धा है ये स्टेयर्स के ऊपर जाके, और इधर की साइड के अंदर नीचे बहुत सुंदर सुंदर फिशेज हैं। ये व्यू बहुत ही अच्छा है और ये फिशेज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। इन फिशेस को आप कुछ खिला नहीं सकते हो, इट्स नॉट अलाउड। इस वाले में भी है। पापा इस टंगल छोटी छोटी वाली है। कहाँ पे? कहाँ पे? बेटा किधर? So guys, जो यहाँ पे रहते हैं ना उनके रूम्स होंगे।
ये एरिया है, यहाँ पे उन्हीं को अलाउ होता है जो यहाँ पे जिन्होंने रूम बुक किया होता है इस एरिया के अंदर। अगर कोई बिना रूम बुक किया आता है तो उसको यहाँ पे अलाउ नहीं होता। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बहुत ही अमेजिंग है। और ये जो हैं रूम्स हैं ये सारे के सारे इस तरह से प्रॉपर सर्कल शेप के अंदर सारे रूम्स बने हुए हैं, यू शेप में एक्चुअली सब रूम्स बने हुए हैं। और बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, व्यूज़ भी बहुत ही सुंदर हैं। एक ऐसा लगता है कि हम किसी हेवन में आ गए हैं। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे इन लोगों के रूम्स हैं, लीजा यहाँ पे स्विमिंग पूल है, इधर आओ। स्विमिंग पूल का एरिया बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। ये सब सीटिंग एरियाज थे जो स्विमिंग पूल के आसपास थे, यहाँ पे बैठ के आराम से इंजॉय करो। बिकॉज ये कोरोना का टाइम था उस टाइम पे, तो फिर स्विमिंग पूल तो क्लोज था, लेकिन हमने इस व्यू का बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। ये इनका लॉबी एरिया है जो कि पूरा कवर्ड है, यहाँ पे आप आराम से बैठो और बाहर जब बारिश होती है तो उसके व्यूज़ लो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना हुआ है, आप इसका इंटीरियर देखो तो ये बहुत ही अमेजिंग है। इन्होंने इसे प्योर वुड को यूज़ कर करके बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट एंड यूनिक टाइप का इंटीरियर करवाया है। बहुत ज़्यादा वुडवर्क का यूज़ हुआ है इसके अंदर। ये इनका लाइब्रेरी है, यहाँ पे हम लोग आराम से बैठे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। अब मैं आपको मेफेयर के रेस्टोरेंट के अंदर लेके चलती हूँ, जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। तो क्योंकि ये 5-स्टार प्रॉपर्टी है तो जो रेस्टोरेंट है उसकी चेयर्स, उसकी टेबल, उसका पूरा इंटीरियर सब कुछ बहुत ही अमेजिंग था, और साथ में जो फूड था उसका टेस्ट भी बहुत ही डिलीशियस था। तो ये हम लोगों का टेबल है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी इवनिंग का टाइम हुआ है, हम लोग चाय पीने के लिए आए हैं और साथ में थोड़ा सा स्टार्टर लेंगे हम। तो हम लोगों ने ये स्टार्टर ऑर्डर किया था, मैं सच बता रही हूँ कि इसका टेस्ट आउटस्टैंडिंग था। उसके बाद में हमने वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की, मेफेयर के जितना भी एरिया था, चाहे इंडोर था, आउटडोर था, स्विमिंग पूल वाला था, रेस्टोरेंट वाला था, सब जगह पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे पॉज देके बहुत सारी फ़ोटोज़ लिया। बिकॉज कि गैंगटॉक के जैसा ट्रिप हो और साथ में हम फोटोज़ या वीडियोज़ नहीं लें तो काइंड ऑफ ये तो ट्रिप ही अधूरा हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये मेफेयर गैंगटॉक का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट आपको किसी काम का लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और तब तक के लिए बाय, सी यू। गैंगटॉक में आके मेफेयर मिस करने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गैंगटॉक आ रहे हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आना।